हम अपने ज़िंदगी में थोड़ी सी असफलता मिलने पर हार मान बैठते हैं, हमारा आत्मविश्वास फीका पड़ जाता है और हम अपनी शक्तियों को जान नहीं पाते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत, जिन्होंने हार नहीं मानी है, अपनी शक्तियों को कम नहीं समझा है, उन्होंने इतिहास रची है। मैं आपको एक ऐसी ही कहानी आज सुनाने वाला हूँ, कृपया वीडियो को अंत तक देखें। एक बार युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के दुश्मनों ने उनका पीछा किया तो वह घने जंगल में भाग गए और पहाड़ों में एक खंडहर में शरण ले ली। थकावट के कारण वह वहीं लेट गए। तभी लेटे लेटे उनकी नज़र एक चींटी पर पड़ी। वह देखते हैं कि एक चींटी चीनी का एक दाना मुंह में दबाकर दीवार पर चढ़ रही है, फिर वह दाना नीचे गिर जाता है। अगली बार वह चींटी फिर इस दाने को लेकर दीवार पर चढ़ती है और इस बार वह खुद नीचे गिर जाती है। ऐसा कई बार होता है, कभी चीनी का दाना नीचे गिर जाता है और कभी वह चींटी। राणा प्रताप लेटे लेटे उस चींटी के प्रयासों को गिनते रहते हैं। वह चींटी कुल 16 बार चीनी के दानों को ले जाने में असफल होती है, लेकिन 17वीं बार वह उस दाने को ले जाने में सफल हो जाती है। तभी राणा प्रताप को झटका लगा और वह फिर से अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गए। वह लगातार अपने दुश्मनों से लड़ते रहे और एक दिन सफल हो गए। इसीलिए दोस्तों, असफलता से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि असफलता से सीख लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, गिरो उठो और आगे बढ़ो, बस रुको मत।